नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको हमारे यहाँ गलका भी बोलते हैं। ये पूड़ी पराठा के साथ बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कच्चे आम लिए हैं, ये 500 ग्राम है। अब इनको पहले छील लेते हैं। आम को मैंने छील लिया है, अब इनको काट लेते हैं। इसका गूदा निकाल लेंगे। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आम को मैंने काट के तैयार कर लिया है, छोटे छोटे पीस किया है। ये 4 आम का पीस मैंने निकाला है और 3 आम मैंने बचा लिए हैं। ये 3 आम जो मैंने बचाया है, इनका बहुत पतला सा निकालेंगे, क्योंकि इसकी गुठली भी मुझे इसी में डालनी है। गुठली में बहुत टेस्ट होता है। ये खट्टी मीठी चटनी में बनाऊंगी ना, तो ये जो ये गुठली में डालूंगी तो बहुत टेस्ट आएगा। इसको चूस के खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसका पूरा गूदा नहीं निकालेंगे। ये आम को मैंने काट के तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक कढ़ाही रख देते हैं। गैस को एकदम लो फ्लेम में रखेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ये 1 स्पून ऑयल है, गरम हो जाए। अब इसमें 1/4 स्पून जीरा डालेंगे। गैस को ऑफ कर लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। 1/4 स्पून सौंफ डाल देंगे। 1/4 स्पून अजवाइन डाल देंगे। 1/4 स्पून ये मंगरेल डाल देंगे, इसको काला जीरा बोलते हैं। ये 1/4 स्पून हींग डाल देंगे। सॉरी, मैंने काला जीरा बोल दिया था, इसको कलौंजी बोलते हैं। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे, जिससे मसाले जले नहीं। थोड़ा से 2 मिनट पक जाए। अब इसी में ये आम डाल देंगे। इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है। अब इसमें 1/4 स्पून हल्दी डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम में कर देंगे। अब इसको ढक देते हैं। अब इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। गैस को लो फ्लेम में कर देंगे फिर से। अभी काफी पक चुका है, लगभग 50%। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। ये मैंने गुड़ लिया है, इसको डाल देते हैं। एक लड्डू था, उसी को मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। गुड़ से कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। अब इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब उसको देख लेते हैं। गुड़ देखिए अच्छी तरह घुल गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर दें। ये 1/2 स्पून जीरा पाउडर है, भुना जीरा था उसी को मैंने बना लिया था पाउडर, डाल रही हूँ। 1/4 स्पून गरम मसाला है। 1/4 स्पून पीसा मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जैसे तीखा खाते हो, कम तीखा खाते हो। ये 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भी डाल देंगे, इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पहले हमारे गांव में ये चटनी बहुत बनती थी, लेकिन खड़े आम की बनती थी,
इसको हमारे यहाँ गलका बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था खाने में। अभी सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं तो अच्छे से पक जाएगी और मिक्स भी हो जाएगी। 5 मिनट हो गया है, इसको फिर से देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा कम हुआ है और थोड़ा पकना चाहिए। अभी इसको फिर से ढक देते हैं थोड़ा, 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। वाह, कितना अच्छा कलर आया है, मुंह में पानी आने लगा देख करके। बहुत टेस्टी चटनी लगती है ये वाली, खासकर ये गुठली जो मैंने डाली है ये। ये देखिए अभी बन के तैयार है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। ये खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। मेरी ये चटनी पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इस चटनी को आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरा गलका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।